आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी जो आजकल बड़ी मशहूर है, उसको कहते हैं गई भैंस पानी में। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भैंस पानी में कैसे जाती है। तो देखे ये चली गई भैंस पानी में। अच्छा जी गाइस, कल रात इलियास भाई की हेल्प करते रहे थीसिस लिखने को। सुबह 5 बजे हम सोए और अभी 1:20 हो गए हैं, उठे हैं और शिराज भाई और इलियास बाहर निकले हुए हैं। देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको डोम का भी टूर कराते हैं। ये देखिए जी, 1:20, ये हम जब टूर्नामेंट जीते थे उसकी तस्वीरें। चलें जी, अभी हम जाते हैं शिराज साहब की तरफ, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो किचन में हैं, तो लेट्स सी किचन में वो नाश्ता बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं या ब्रंच बना रहे हैं। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर। ये देखिए, पहले हमें मिले इनके फ्रिज पे सामान। अस्सलामुअलैकुम सर जी, क्या हाल चाल है? ये जी पराठे बन रहे हैं जैसा कि आपको कहा। ये बच्चा कौन है? ये मेडिकल का बच्चा। इसके तो बाल भी आ गए। आगे मेरे तो गिर गई। मैं तो पराठे तैयार। ये लोबिया है जी, चाय चाय आख में। ये सर जी बारूद आतिशबाजी का सामान ले आए, बारूद डाले सर जी इसमें। ये चाय जोश मार दिया। सर जी जी चाय पराठे रेटली हो गए। अभी हम बात कर रहे रात के खराटों की। ये घंटा को हो गया अभी ना, जरा मतलब सुकून हुआ है मेरा। अच्छा यार, कदम इसका पता नहीं क्या हुआ, उठ के मेरे से बातें करनी शुरू कर दी। मैं क्या कह रहा है? रेटली रोटी खानी। क्या हो गया? मैं कहा आ गया वो नहीं। नींद में बोल रहा है। तेरी वीडियो बनाई? नहीं, वो नहीं मैंने बनाई, दूसरी कराटे में मैंने बनाई। दिन रात तीस 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 सर जी, आप इसे निकाल। कल इसका पूरा दिन मर जाया हुआ है इसकी नजर पीछे। सुबह ये 6 बजे सोया तकरीबन। हाँ, जिस टाइम मुझे आइडिया। घंटा तो मैंने आप लोगों के कराटे सुने ना मास्क। और 7:30 के ऊपर मैं रहा कि मैं बोला मासी क्या, मैं तुझे याद कर रहा भाई। सीधा तू ही करता है। जब मैं और तायर, जब सर जी मैं और तायर जो है ना, वो नींद हमारी पूरी ना हो, ये सो जाए, मैं और तायर रात को लगे हुए होते हैं भाई, क्या कर रहे हैं अब, कैसे सो रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं सो। और ये एकदम करता है बच्चे नहीं दे, वो जब नींद गहरी होती है ना यार, ठीक है माना कि मतलब थकावट की वजह से ऐसा होते हैं, कराटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इस शिद्दत रात को दोनों ने मुकाबला किया हुआ। मैं यहाँ पे तूने देखा नहीं, मैं सुबह तो उठा था, मैं किधर को होके लेटा हूँ, मैं क्या तकिया जरूरी है कि नींद जरूरी है? तकिया में हमने एक बार साझा खा लिया। ये मुझे फिर दोबारा कह रहे कि सर जी ये एक स्ट्रिप रह गया। मैंने कहा खुदा की बात है, बंद बंद कर दे यार। जी बहुत तंग किया सुनीथी से उसने। अल्लाह माफ करे। आप अपने सब्सक्राइबर्स को भी कहें इसके लिए दुआ करें कि ये थीसिस क्लियर हो जाए, पीएचडी का। सती ऐसे ऐसे प्रोफेसर बनने हमारे पास। वीकेंड है, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करती है यहाँ पे। सारे आते हैं बीच पे नहाने के लिए, और फिर छुट्टियाँ भी अभी ख़त्म हो जाएंगी सितंबर से प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जॉब्स वाले जितने भी, या फिर बच्चे जितने भी फैमिलीज़ वाले, वो भी फिर फ्री नहीं होंगे। तो ये छुट्टियों से पहले आखिरी वीकेंड है, तो रश बहुत ज़्यादा होगी। आपको दिखाएंगे शिलोरन बीच पहुँचते ही। एक शॉट पे मैंने दी भी हुई है, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो उसकी नहीं बनाई थी। तो देखते रहिए सिटी ऑफ स्माइल विद डार।
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, मिलते हैं शिलोरन बीच में। हम आ गए हैं शिलोरन बीच, आज वीकेंड मनाना है हमने, क्योंकि इसके बाद एक दो हफ्ते और फिर यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो सितंबर 15 से तकरीबन फिर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है चाइना में, चिंदाओ में। तो फिर उसके बाद हम बीच के साइड पे नहीं जा सकते, और सर्दी भी बहुत होती है और हवा भी बहुत तेज चलती है। हेलो निहा, हेलो हेलो निहा। ये चिंदाओ जब भी आए, सर्दियों में नहीं क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में जब भी आए सिर्फ ये अगस्त, जुलाई अगस्त में, तो शिलोरन बीच लाजमी आइएगा। वो जो आपको दूर नज़र आ रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, इसको स्कल्पचर म्यूज़ियम कहते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, और डॉल्फिन भी यहाँ पे है, लेकिन उसकी टिकट है 80 RMB पर हेड, और बाकी भी काफ़ी झूले वगैरह पे हैं। तो और ये यहाँ पे कैंप लगे हुए होते हैं, टेंट लगे होते हैं, तो आप इसको बाई भी कर सकते हैं, अपने भी ला सकते हैं। ये पूरे 24 आवर्स के लिए आपको दिए जाते हैं, और इसकी प्राइस क्या है ये मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ होती है। आजकल तकरीबन 100, 120, 150 आपको एक पूरा टेंट दिया जाता है 24 घंटों के लिए, और बाकी लोग अपने भी ले आते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई ममानियत नहीं है कोई। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, नहा भी सकते हो। यहाँ पे बाकायदा एक निशान लगा हुआ होता है, ये मतलब इस लेवल तक आप जा सकते हो, नहा सकते हो, इसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते। लाइफ बोट वगैरह सब आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये चलो भैया, ये शिलोरन के मज़े, हम आए हैं पानी में, पानी बिल्कुल क्लियर साफ। ये कौन है भाई? अफरीदी। ये मैं हूँ, और ये हम नहा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप पानी में जान दे रहे हैं। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है, बड़ा जबर। हाँ ये मैं हूँ, ये पाकिस्तान के हालात है और हम इसमें तैर रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तान के। और ये एक छोटा बच्चा आ गया, अब ये पानी में खेलते हुए। ये अफरीदी है, इसको चाइनीज बहुत जबरदस्त आती है, तो चाइनीज दोस्त है। They are so much happy for us that we are here and they are want to talk with us in the Chinese. जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे खुरम भाई, इसको भी चाइनीज जबरदस्त आती है, तकरीबन 10-12 साल से यहाँ पे है, और इसने यहाँ पे शादी भी की हुई है, इसका यहाँ एक बच्चा भी है, कंफ्यूज बच्चा, जिसको ये समझ नहीं आ रही कि उर्दू सीखूँ कि चाइनीज क्या सीखूँ उसको। हाँ ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं। लेकिन अभी सुपरवाइजर की भी कॉल आ गई है। ये हमारे पीएचडी के ये हाल आते थे कि भाई बीच में आ रहे हो, सुपरवाइजर की कॉल आ जाती है। चलो भाई अब सुपरवाइजर की कॉल सुनो। कॉल पिक करके क्या पानी में सच्ची डूब रहा हूं भाई, मिशन है कल पेपर की। ओके हेलो, हमारे खुशकिस्मत ये है कि हम जिस जगह में रहते हैं मर्दान में, वहाँ पे नहरें पानी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो हमें तैरना भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, और हम वहाँ पे तैरना हम सीख लेते हैं। तो इधर गया अफरीदी, अफरीदी ये रहा, इस बेचारे को अभी सुपरवाइजर की कॉल आई है कि पेपर सबमिट किए कि नहीं। जीना हराम कर दिया हमारे सुपरवाइजर ने हमारा, क्या करें। और इसमें इतने में लोग कहते हैं कि आप लोग वहाँ पे मजे में हो, ये हालत है भाई, क्या खाक मजा हम यहाँ पे उठाएंगे कि सुपरवाइजर की कॉल यहाँ भी आ जाती है। ये मैं बच्चा आ गया है, मुझे बात कर रहा है, इसकी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। नहीं, वो मनी चीबा।
बच्चे को देते हैं आज हम मिलियन में। और यहाँ पे अब ये लोग जो है अपने बच्चों वगैरह को इंग्लिश सिखा रहे हैं, बाकी इनके जितने भी लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी। तो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का दिया हुआ है। चलो खुर्रम भाई हमें करतब दिखाने लगे हैं, ये पहले सर्कस में काम करते थे। हाँ सर्कस में काम करता था, लेकिन लेकिन रानी सर्कस, लेकिन मुझे मुक्त लाती थी। तो यही वीकेंड ही होता है जिसमें हम ये चिल करते हैं, नहीं तो आपने देख लिया है अफरीदी को यहाँ भी सुपरवाइज़र की कॉल आ जाती है कि कोई वीकेंड शीकेंड नहीं, बस काम करो, काम काम काम, दिन रात करे हम काम, जब काम से थक जाए तो हम यहाँ पे आते हैं, आ जाते हैं नहाने बीच। हटो गई, मैं मरना चाहता हूँ, हमारे मुल्क पे कर्जा बहुत है। पानी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पानी है, साफ पानी, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पानी के अंदर है और कितना क्लियर साफ पानी है। ये इनका ख्याल रखते हैं अपनी बीचेस का, तो पानी भी साफ़ रहता है, जबकि हमारे कराची के बीचेस में यही मसला है कि उसमें पानी साफ नहीं होता। अब मैं खुद पानी में अंदर जा रहा हूँ। मजा आ गया साफ पानी का, जबरदस्त। और ये शिलोरन बीच और इस पे रश, लोग नहा रहे, पानी साफ। ये इसको स्विमिंग सिखाते हुए, जब कि उसको खुद स्विमिंग नहीं आती, आया ये कैसे स्विमिंग नहीं। चलो जी यहाँ पे हम थोड़े से मस्ती वगैरह कर लेते हैं और नहा लेते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करना है तो कर ले, नहीं तो ना ही करे, करे क्यों ना करे, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है लोग सुपरवाइजर, लाइक एंड सब्सक्राइब होगी, मिलते हैं नए व्लॉग में।